सभी कार्यकर्ता बंधुओं, उपस्थित महानुभावों, माताओं बहनों, सबसे पहले मैं माताओं बहनों को आभार और धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस जन आंदोलन में उनकी यहाँ पर सबसे बड़ी भूमिका उपस्थिति के रूप में दिख रही है। और जिस का कमान महिलाओं ने संभाल लिया, वो निश्चित रूप से जन आंदोलन ही बनेगा। ये हमारे नेताओं का जो आकांक्षा है, उनकी सोच है, उसको आप सब लोग पूरा करेंगे। अभी आपने जो कुछ सुना उसको मैं बहुत ही संक्षिप्त में रिपीट करते हुए अपनी बात कहूंगा कि जीवन के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। अभी सांसद जी ने बताया और कोरोना काल का उदाहरण दिया कि जब ऑक्सीजन के लिए कैसे तड़प रहे थे पूरी जनता। लेकिन ये सब क्यों हुआ, यह जन आंदोलन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी हमारी सरकार को, और क्यों भी हमारे ऋषि मुनियों ने उस समय, साइंस ने तो आज बताया है, हमारे ऋषि मुनियों ने उस समय रिसर्च की थी और बताया था कि ये जितने भी वृक्ष है, वनस्पति है, ये ऑक्सीजन छोड़ती है। और पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है अकेला, ऐसी वनस्पतियों में से। तुलसा ओजोन छोड़ती है, जिसकी कमी आज इस पर दिख रही है आसमान पर, क्योंकि एसी का चलन बढ़ गया। हम भौतिकवाद की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और ओजोन में एसी की जो गैस निकलती है वो छिद्र करती है, और ओजोन अगर छिद्र से ज्यादा हो गए तो ये गर्मी हमको झुलसा देगी, ये हमारी खान चलने लगेगी। तो तुलसा ओजोन छोड़ती है और हमारे ऋषि मुनियों ने उसको धर्म से जोड़ा। विज्ञान उस समय आदमी की समझ में नहीं आता, लेकिन धर्म से जोड़ा कि हर आंगन में तुलसी और हर मंदिर के आसपास पीपल का पेड़, पीपल की पूजा। पीपल कटे रहे तो उसे विष्णु का अवतार के रूप में जोड़ दिया गया, लेकिन असलियत यही थी कि पीपल वो है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है और तुलसा जी 24 घंटे ओजोन। गौ माता को गौ माता क्यों कहा, उसकी सांस से भी ओजोन निकलती है, जिसकी आवश्यकता हम सबको है। तो इतनी आवश्यक जो प्रकृति ने हमको दिया, मैं एक और